दोस्तों देखा बिग बॉस का एपिसोड, देखा कुछ समझ में आया है ना। एक इंसान है बिग बॉस में दोस्तों, एक कंटेस्टेंट है जिसके लिए कोई वोटिंग अपील की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए किसी यूट्यूबर को या किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको वोट करो, उसको अपने आप वोट आ रहे हैं और वो स्टिल नंबर वन पोजिशन में है। कौन है वो दोस्तों? यस, मुनव्वर फारूकी, द वन एंड ओनली, द लॉकअप विनर। इस कंटेस्टेंट को देख के मुझे बिग बॉस के हिस्ट्री में मैंने ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं देखा दोस्तों। आई थिंक सिद्धार्थ थे, मतलब जिनके लिए किसी को वोटिंग अपील करने की ज़रूरत नहीं है, जनता वोट कर रही है उसको, है ना, और स्टिल नंबर वन पोजीशन पे है। मेरे चैनल में मैं ये सच बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है ना। पता नहीं बाकी चैनल्स पे क्या बोल रहे हैं, पर मुनावर जो है वो नंबर वन पोजीशंस में है अभी भी, वोटिंग में भी और वोटिंग ट्रेंड में भी, वोटिंग अपील में भी। तो मुनावर को हराना बहुत ही मुश्किल है। देखा जाए तो मुनावर जीत गया समझो बिग बॉस। अब यहाँ पर अगर कोई खेला हुआ, मैंने पहले भी बोला, यहाँ पर नंबर टू और नंबर थ्री की पोजीशंस को उलटफेर होगा सिर्फ, लेकिन नंबर वन पे मुनावर ही रहेगा। अगर आप बोलेंगे ना जनता को कि मुनावर को वोट मत करना, तब भी जनता मुनावर को ही वोट करेगी, इतना पावर है मुनावर में, याद रखिए, है ना। कोई यूट्यूबर अगर बोले कि मुनावर को वोट मत करना, लेकिन लोग मुनावर को ही वोट करेंगे, क्योंकि जनता की पावर है ना। अभी तक उस घर में मुनावर का जो गेम है ना, कुछ लोग बोल रहे गेम नहीं है, उसका गेम है यार, उसने गेम खेला है, और किस लेवल का गेम खेला है वो किसी को नहीं पता होगा। अगर वो गेम ना खेलता तो लोग मनारा उसे क्यों इतनी जल रही है ना, बार बार क्यों इतना उसका अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है वो मनारा, है ना, कर रही है ना। ठीक है, मनारा के लिए भी हूटिंग हुई है, मनारा ने अंकिता से ज़्यादा फिल्म की है, मैं मानता हूँ, साउथ में की है, ठीक है, मानता हूँ। या अंकिता ने सिर्फ यहाँ बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्म किया है, टाइगर श्रॉफ और साजिद नाडियाडवाला और वो कंगना के साथ, और मनारा ने साउथ में की है, ज़्यादा फिल्म की है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है। मनारा के लिए ज़्यादा हूटिंग हुई है, अंकिता के लिए कम हूटिंग हुई है, ज़्यादा लोगों ने उसको वो नहीं किया अंकिता को, ठीक है, कोई बात नहीं, मानता हूँ मैं। लेकिन अभी मुझे फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि अभिषेक का जर्नी वीडियो लंबा है, हाँ ज़रूर लंबा हुआ, मानता हूँ मैं, कोई वो नहीं है, लेकिन क्या अब कलर्स मेकर्स एंडोमॉल वाइकोमेटिन क्या चाह रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है ना। मुनावर फारूकी विनर है ना, कोई नज़ला वज़ला नहीं, कोई खांसी वासी नहीं, कोई सर्दी वर्दी नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, वो नंबर वन पे रहेगा, है ना। कोई नज़ला वज़ला, कोई खांसी जुकाम नहीं चलेगा, वो नंबर वन पे रहेगा, है ना। और जो आई थी, जैसे कि आज वो मनारा बोल रही थी चाय पीनी है आपको, चाय चाहिए, फिर मुनावर बोल रहे थे हाँ चाहिए थोड़ा सा, फिर वो टॉन्ट मार रही थी मुनावर को कि पहले तो आपका दोस्त आया था, वो कैसा बनाती थी वो तो पता नहीं, अब क्या होगा। मनारा बार बार आयशा का नाम लेते, मतलब शी इज़ सो ऑब्सेस्ड विथ आयशा, उसको इतना आयशा याद आते हैं, वो लड़की चली गई अब भी आयशा का नाम लेती है, याद है उसने क्या बोला था, आगे से पीछे से देखो, है ना। कोई बात नहीं दोस्तों, मनारा का वोटिंग ज़्यादा, मनारा को वोट्स आ रहे हैं क्योंकि यूएस से मनारा के लिए एक मैसेज आया है, तो उसी हिसाब से उसको वोट्स आ रहे हैं, है ना, ठीक है। लेकिन आप मुनावर को कैसे हराओगे, उसके वोट्स तो आ रहे हैं भैया, स्टिल इन द नंबर वन पोजीशन, उनके फैंस को तो बोलना भी नहीं पड़ रहा है, किसी कोई यूट्यूबर कोई कि कोई नहीं बोल रहा है किसी को मुनावर को वोट करने के लिए, लेकिन उसको अपने आप वोट्स आ रहे हैं, है ना, अपने आप उसको वोट्स आ रहे हैं और वो नंबर वन पे है। अब लोग बोल रहे जर्नी वीडियो के ऊपर ही विनर होगा, कि सबसे पहले अभिषेक आया, इसके बाद अंकिता आई, इसके बाद क्या अरुण आया, फिर मनारा आई, फिर लास्ट में मुनावर आया, इस तरीके से बोले लोग बोल रहे, जो बाकी लोग जो है यूट्यूबर्स वो बोल रहे इस तरीके से होगा, तो इसका मतलब अभिषेक जीतेगा क्या, फिर अंकिता सेकंड आएगी क्या, ऐसा होगा क्या, कैसे होगा भाई, वोटिंग ट्रेंड में तो मुनावर नंबर वन पे, फिर आप लोग कैसे बोल सकते हो कि वो नहीं जीतेगा, है ना, कैसे होगा ये भैया, है ना। सीजन तो मुनावर और अंकिता के लिए ही था ये सीजन, क्योंकि वो दोनों पूरे सीजन में दोस्त थे, है ना। आज के जर्नी वीडियो में देखा आपने अंकिता ने कितना बार हक किया मुनावर को, दोस्त बना बोला है, कितना बार क्या किया है, तो दोनों तो सीजन में दोस्त ही थे मुनावर और अंकिता, और ये सीज़न भी उनके लिए ही था, ये सीज़न उनको लिए ही बुलाया गया, इसीलिए ये सीज़न को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है इस सीज़न में, और जो था हो गया है ना। लेकिन मुझे ऐसा लोग बोल रहे हैं ना, कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मुनावर नहीं जीतेगा, है ना, अभिषेक जीतेगा,
वोट ज़्यादा आ रहे हैं अभिषेक के, पता नहीं भाई। अगर जर्नी वीडियो के ऊपर डिपेंड करके अगर होता है ऐसा, जीत होता है, तब तो भैया वोटिंग की क्या ज़रूरत थी, है ना। अगर लोग हुटिंग कर रहे हैं, मैं मानता हूँ अंकिता को इतना फैन वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हुटिंग नहीं मिल रहा था उनको, तालियां नहीं बज रही थी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर अभिषेक और मनारा को ज़्यादा आ रहे थे हुटिंग तालियां, और मुनावर को तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, है ना। शायरी भी अच्छा किया उसने, बहुत ही बढ़िया शायरी किया उसने, है ना। कुछ बढ़िया है उसका शायरी, है ना। प्रोमो एक आया है उसका, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुनावर का जो दोस्तों जर्नी था वो बढ़िया था, उसने क्या क्या बोला, चलिए सुनते हैं ना। जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। मेरी शायरी बिग बॉस ने बोली है गाइस। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। आज मैं भी शायरी बोलता हूं। तूफान लेके आना, मैं तू तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। चिराग लिख दूंगा, रख दूंगा, रख दूंगा। हाँ, जमीन पे भी बैठाना तो मैं जमीन पे भी बैठा ना आसमान लिख दूंगा। तो आसमान लिख दूंगा। बढ़िया शायरी यार, शायरी तो बहुत अच्छी करते हैं मुनावर जो, हमारे शायरी में उनको कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। शायरी उनका भाई नेक्स्ट लेवल का जो है, उनका बात करने का तरीका है ऑडियंस के साथ और मीडिया के साथ भी, है ना। तो उस चीज़ में मुनावर को जो हराना है ना, बहुत टफ है दोस्तों, है ना। उस चीज़ को मैं मानता हूँ, मुनावर का फ़ैन फॉलोइंग है। और तो मैं वही बोल रहा था कि मुनावर के फ़ैन फॉलोइंग से जीतना इतना आसान नहीं है, और शायरी उसका नेक्स्ट लेवल होता है, मैंने जो बोला है आपके, है ना, पहले आपने सुना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बात चल रहा है कि मुझे आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या ये मैटर करता है कि किस जितना ज़्यादा जिसका जर्नी वीडियो दिखाया जाएगा, जिसका जितना ज़्यादा लंबा जर्नी वीडियो होगा वो जीतेगा, तो फिर वोटिंग का क्या ज़रूरत होगा, है ना। वोटिंग का क्या ज़रूरत होगा। अभी दोस्तों मुनावर फर्स्ट पोजीशन पे है वोटिंग के हिसाब से, है ना। मैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, सेकंड या थर्ड पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो विनर होगा उसको ही मान्यता दी जाएगी कि वही विनर है ना। सेकंड थर्ड पोजीशन को कौन याद रखता है, हमें पता है एमसी स्टैन जीता था, हमें पता है सिद्धार्थ शुक्ला जीता था, हमें पता है शिल्पा शिंदे जीते थी, हमें पता है प्रिंस नरूला जीता था। आपको पता है प्रिंस नरूला के साथ जो था सेकंड जो हुआ उसका नाम क्या है, मुझे भी याद नहीं है ना। लेकिन वो डिजर्विंग था, लेकिन प्रिंस जीता, इसका फैन फॉलोइंग था। लेकिन जनता को अब लगता होगा अरे प्रिंस डिजर्विंग नहीं है, कुछ लोगों को अभी भी लगता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि मुनावर डिजर्विंग नहीं है, कि क्योंकि मुनावर ने वो जोक मारा था माता सीता माता राम भगवान, वो तो कितना साल हो गया उसकी, उसको सज़ा भी मिल गई, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है मुनावर जीतेगा, है ना, बिना किसी वोटिंग अपील के जनता वोट कर रही है, तो और क्या चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से मुनावर जीत रहा है, और 2-3 दिन है, देखिए क्या होता है, लेकिन आई थिंक मुनावर जीतेगा। देख लीजिए, अगर मुनावर जीता मैं तो खुश हूँ मुझे कोई नहीं है, मैं अगर मुनावर भी जीता मैं खुश हूँ, अंकिता भी जीती मैं खुश हूँ। ट्रॉफी मुंबई से बाहर ना जाए, बस मैं ये अपील करूँगा जनता से, ट्रॉफी मुंबई में ही रहे, ट्रॉफी साउथ दिल्ली नहीं जाना चाहिए, ट्रॉफी पंजाब नहीं जाना चाहिए। सॉरी अभिषेक के फैंस बुरा मान जाएंगे यार मुझसे, सॉरी अभिषेक के फैंस। एक्चुअली मुंबई से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जो भी हो ट्रॉफी चलिए जिसका जो मर्जी हो, अगर मुनावर जीत जाता मैं खुश हूँ, अंकिता जीत जाएगी मैं भी खुश हूँ, कोई बात नहीं। विकी भैया कर रहे हैं पार्टी आयशा के साथ और सना के साथ और ईशा के साथ और पता नहीं कौन, मज़े मार रहे वो तो मस्त, है ना। और उनको पता था विकी को वो नहीं जीतने वाला है ना, उसने जीत उसने वो दिल जीतने आया था, जीत के चला गया और वो हंस के चला गया, उसको वो कोई गम नहीं है, जिस काम के लिए वो आया था ना वो काम उसने पूरा कर दिया है, जो इन्वेस्टमेंट उसने लगाया था ना पैसा जिस चीज़ के लिए उसका वो पूरा हो चुका है अब, है ना। याद है ना उसने क्या बोला था, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट वो लगाता है वो पूरा वसूली करके गया है वो अभी, है ना। तो बहुत अच्छा खेला उसने। और रही बात मुनावर की, वो जीत रहा है, सोच सकते
उसको वोटिंग अब किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं उसको कि उसके लिए बोले जाके प्लीज़ वोट फॉर मुनावर, जनता अपने आप उसको वोट कर रही है। और मुझे अभी डर लग रहा है अंकिता का, क्योंकि वो नीचे जा रही है अभी, वोटिंग उसको कम आ रहे हैं और अभिषेक फिर ऊपर जा रहा है। वोटिंग ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों, पता है आपको, ये ऐसे ही होता है। ये आखिरी के 15 मिनट के लिए फिर वोटिंग लाइन खुलती है, जीतने जब जीतेगा ना, विनर अनाउंस होगा उसके पहले 15 मिनट का होता है, तब जाके उलट फेर होता है। अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी जो वोट कर रहे हैं ठीक है वो हो रहा है, लेकिन आखिरी के 15 मिनट में फिर वोटिंग लाइन खुलती है जीतने से पहले, उस टाइम ही असली वो हो जाता है। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कौन ऊपर नीचे, लेकिन इतना याद रखिए टॉप थ्री में मैंने कन्फर्म कर दिया है, मुनावर अंकिता अभिषेक ये टॉप थ्री रहेंगे ही रहेंगे, याद रखिए आप, है ना। चलिए थैंक यू भाई, किसी के फैंस को बुरा लगा तो सॉरी, बट थैंक यू है, चलिए।